क्योंकि देखो फतेहपुर सिकरी का ये बुलंद दरवाजा बहुत ही पॉपुलर है। आपको पता ही होगा कि अकबर ने गुजरात की जीत के बाद इसको बनवाया था। वैसे यहाँ पर जितने नज़दीक जाओगे उतना बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा दरवाजा है, बहुत बड़ा। और भाई साहब सही बता रहा हूँ, मुझे लगा कि एरिया होगा लेकिन थोड़ा इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा एरिया है। तो हाथी से उनको वहाँ कुचलवा दिया जाता है। अच्छा, हाथी के पैर के नीचे जी, जहाँ 1527 1527 फाइटिंग हुआ बाबर एंड राणा सांगा। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। देख लो गाइस, मतलब बुलंद दरवाजा पहुंच चुके हैं हम लोग, फतेहपुर पहुंच चुके हैं। और देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये हमारा 5वां या 6ठा वीडियो है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी आगरा, मथुरा, वृंदावन, बरसाना की होली, ये सारे वीडियोज़ कवर कर लिए उत्तर प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ कोलाब्रेशन में। और अभी हम लोग आ चुके हैं आगरा से 50 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी। और देखो बुलंद दरवाजा, ये है बुलंद दरवाजा, आपको पता ही होगा। तो ये है फतेहपुर में, और सिकरी में भी एक बहुत ही बड़ा फोर्ट बना हुआ है। तो फतेहपुर सिकरी हम नाम साथ में बोलते हैं, लेकिन जगह मतलब बोल सकते हो पास में ही है, लेकिन फतेहपुर में बुलंद दरवाजा है और सिकरी में है फोर्ट, किला है वहाँ पर, बहुत ही हिस्टोरिकल किला बना हुआ है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो बुलंद दरवाजा एक्चुअली में एक दरगाह है, मतलब ये एंट्री गेट बना हुआ है और अंदर की तरफ एक दरगाह है। और जो मैंने आपको बताया कि सिकरी में एक बहुत ही बड़ा किला है, तो वहाँ पर फोर्ट है, पैलेस है, मतलब भवन बने हुए। तो वो यहाँ से 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। तो इसको कवर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं सिकरी की तरफ, फोर्ट की तरफ, क्योंकि हमने यहाँ पर एक गाइड हायर किया उनको बताया, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ये भी बहुत ही बड़ी जगह है और सिकरी भी बहुत ही बड़ी जगह है, तो एक वीडियो में दोनों को कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और देखो जैसे कि मैंने बताया कि ये दरगाह है, तो इसकी कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, कोई भी एंट्री फीस नहीं है, लेकिन सिकरी को देखने के लिए आपको 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करने वाले, सारी इन्फॉर्मेशन देने ही वाले, लेकिन सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं बुलंद दरवाजा को। जैसे कि मैंने बताया कि हमने यहाँ पर गाइड हायर कर लिया है ताकि आप लोगों को और डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि देखो फतेहपुर सिकरी का ये बुलंद दरवाजा बहुत ही पॉपुलर है। आपको पता ही होगा कि अकबर ने गुजरात की जीत के बाद इसको बनवाया था। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अंदर भी बहुत ही अच्छी जगह बनी हुई है, तो हम आपको बता नहीं पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर गाइड हायर कर लिया है। तो सर आ जाइए, क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम मोहम्मद राजुद्दीन कुरेशी है। बैठिए। मैं आपका थोड़ा जोर से बोलिएगा। मैं आपका गाइड हूँ। अभी मैं आपको फतेहपुर सिकरी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने ये है मेन गेट बुलंद दरवाज़ा, जो कि साउथ गुजरात की क्वीन को जीता अकबर, तब इसको बनाया सर। अच्छा। यहाँ से 54 मीटर हाइट है और अंदर जाने से पहले हम लोगों को शूज़ उतारने पड़ेंगे। शूज़ का फिर अंदर दरगाह है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, जिनकी दुआ आशीर्वाद से रानी जोधा बाई से अकबर को बेटा हुआ, तब अकबर ने ये जगह को कंप्लीट किया। अच्छा। और इसके बाद जो आप जाएंगे वो अकबर का पैलेस देखेंगे, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधा बाई पैलेस, पंच महल। अच्छा। काफ़ी खूबसूरत जगह है। अच्छा। तो यहाँ देखने में काफ़ी वक्त लगता है और आपको देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। हाँ। तो ये टाउन जो है सर फतेहपुर है। फतेह इज़ अ मीनिंग ऑफ विक्ट्री एंड पुर मीन सिटी, सिटी ऑफ विक्ट्री। अकबर ने जगह को जो छोड़ा वो वाटर प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि यहाँ पीने का पानी नहीं था और सोल्डी वाटर था। अच्छा। अकबर के लिए जो पानी आता था वो कश्मीर से आता था। कश्मीर से? जी, जम्मू कश्मीर, उनका वाटर जो पीने का, ड्रिंकिंग वाटर्स। और जो आप यहाँ सीढ़ियों पर बैठे हैं वो 52 स्टेयर है, क्योंकि गेट को बनाने में 1 साल लगा, साल के 52 वीक्स होते हैं। तो हर चीज़ का सर एक लॉजिक है। हाँ। तो ये बिगेस्ट डोर इन इंडिया बुलंद दरवाज़ा। हाँ। और तो मैंने कहीं भी पढ़ा था कि एक्चुअली में अकबर के टाइम पे, मतलब अकबर के शासनकाल में जितने भी स्ट्रक्चर बने उसमें अकबर का सबसे ग्रेट स्ट्रक्चर ये है बुलंद दरवाजा। हाँ। द हाई गेट ऑफ इंडिया एंड बिगेस्ट आर्च इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट आर्च। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे, जाने से पहले हम लोग पहले शूज़ उतारेंगे, फिर हम लोग अंदर आएंगे। हाँ, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया कि अंदर दरगाह है तो शूज़ बाहर उतारने पड़ेंगे जी, उसके बाद अंदर जाएंगे। चलिए। और देखो गाइस, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे ऊपर आओगे ना और बड़ा दिखेगा आपको, मतलब जैसे कि आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, वीडियोज़ में देखा होगा कि जितना नज़दीक जाओगे ताजमहल थोड़ा और दूर आपको दिखे, ऐसे यहाँ पर जितने नज़दीक जाओगे उतना बड़ा दिखेगा। बहुत बड़ा दरवाज़ा है, बहुत बड़ा। बुलंद दरवाजे से अंदर आ चुके हैं, मतलब ये दरगाह के कैंपस के अंदर आ चुके हैं। और भाई साहब सही बता रहा हूँ, मुझे लगा कि एरिया होगा लेकिन थोड़ा इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा एरिया है। यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि यही पैलेस है, मतलब यही फोर्ट है, लेकिन फोर्ट ये नहीं, फोर्ट इसके पीछे है, जस्ट पीछे है, लेकिन ये भी बहुत ही बड़ा है। तो अभी हमें हमारे जो गाइड है यहाँ की हिस्ट्री बताने वाले, स्टोरी बताने वाले और हर एक जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बताइए सर। सर सबसे पहले जो वाइट देख रहे हैं आप वो दरगाह है। दरगाह जो है इनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो थे वो एक बहुत बड़े सूफी संत हैं। जब बादशाह अकबर औलाद के लिए परेशान थे तो वो दिल्ली से अजमेर शरीफ अजमेर गए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि ग्रेट सेंट हैं, वहाँ से अकबर को एक ड्रीम हुआ, तो अकबर अजमेर से फतेहपुर सिकरी जो आए थे वो पैदल चलकर आए। उस टाइम पे बाबा जो थे वो जीवित थे, तो अकबर की जो हिंदू क्वीन थी उनका नाम था रानी जोधा बाई। बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद से जो बेटा हुआ, जो बाबा का नाम रखा था सलीम, बड़ा हुआ, उसी का टाइटल हुआ जहांगीर। तो उसकी याद में ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा मेमोरी प्लेस अकबर बनाए। इसको 12 साल लगा सर कंप्लीट करने। ये साइड जो आप देख रहे हैं वो जामा मस्जिद की है। यहाँ पर जो मुस्लिम्स आते हैं दिन में 5 टाइम ए डे प्रेयर करते हैं, नमाज। और जो आप देखिए ऊपर छोटे छोटे ये मीनार्स हैं, यहाँ पहले इलेक्ट्रिक्स नहीं होता था, यहाँ मशाल लगाते थे। तो आज भी सर लोगों की यहाँ भावना है कि दरगाह में लोग जाते हैं अपनी आस्था, अपनी मुराद, मन्नत लेकर यहाँ धागा बांधते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है, यहाँ लोगों की आज भी मन्नतें पूरी होती हैं। जब बाबा आपकी मुराद पूरी करते हैं तो लोग आते हैं, धागा खोलते हैं, अगर नहीं आते हैं तो इनका नाम लेके गरीबों को चैरिटी करते हैं। आपको बताया था जामा मस्जिद नमाज के लिए, यहाँ मुस्लिम लोग 5 टाइम ए डे प्रेयर करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ये होली कुरान की आयत है, आयतों पर ये पूरा गोल्ड वाटर है। 80 फीट इसकी हाइट है। और राउंड जो आप देख रहे हैं वो मुगल पेंटिंग्स है बादशाह के टाइम का। हाँ। और बादशाह अकबर जो आते थे वो रॉयल गेट से हर फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ लेते। अच्छा। ये जो सन लैम्प टंगा हुआ ये गोल्ड में था या वैसा था या नाइट लैम्प के लिए था। हाँ। जो ज़माने में नाइट्स में इलेक्ट्रिक्स नहीं था तो मशाल जलाने के लिए। और ये आप पेंटिंग्स नीचे भी देख सकते हैं, ये वाइट मार्बल है जो जहांगीर ने बाद में लगाया। अच्छा। और सारा ही सर हैंड वर्क है। हाँ। तो अभी भी जो मुस्लिम लोग होते हैं यहाँ 5 टाइम ए डे प्रेयर करते हैं नमाज, फ्राइडे के दिन ये पूरा फुल हो जाता है। एलिफेंट। हाँ। जो अकबर के टाइम में गिल्टी लोग होते थे, गुनाहगार। हाँ। तो हाथी से उनको वहाँ कुचलवा दिया जाता था। अच्छा। तो हाथी के पैर के नीचे जी उसका टावर है जिसको हिरण मीनार के नाम से जाना जाता है। हिरण मीनार जी। एलिफेंट टावर कहाँ पर है सर? तो इसके आउटसाइड है, अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो उसका टावर है, उसी के अंदर हाथी की कब्र है। हिरण मीनार उसको कहते हैं। हिरण हाथी का नाम था। हाँ। मीनार बनाया तो इसलिए उसका नाम पड़ा हिरण मीनार। अच्छा। तो वो टावर अभी आप देखने चल रहे हैं उसके आउटसाइड। अच्छा। आइए चलिए सर। मीनार। हाँ। हिरण मीनार। हाँ। एलिफेंट टावर। अच्छा। जो हाथी अकबर के टाइम में लोगों, गुनाहगार गिल्टी लोग होते थे, उनको वहाँ कुचलवा दिया जाता था, अपराधी लोगों को। और वहीं से सर देखिए वो नेशनल हाईवे है। हाँ। राजस्थान। हाँ। क्योंकि यूपी का ये लास्ट बॉर्डर है, इससे आगे भरतपुर लग जाता है। 21 किलोमीटर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जी जी जी। 21 किलोमीटर यहाँ से 21। अच्छा। ये पूरा जो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर। हाँ। ये उस जमाने का पानी का लेक था। अच्छा। अभी ये सूख गया है। हाँ। तो यहाँ किसान लोग खेती बाड़ी यहाँ करते हैं सर। हाँ। और वो गांव है सीकरी ओल्ड विलेज। क्यों हंसी आ रही सर आपको? वो ये इस पे है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कोई नहीं, फिर से चलो। वो गांव है सर सिकरी, ओल्ड विलेज। हाँ। यहाँ जो हम लोग खड़े हैं सर, इस जगह को बोलते हैं फतेहपुर। ओके। फतेह मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, बुलंद दरवाजा इज लाइक ए विक्ट्री। ये उस टाइम देखिए सर, पोस्टमैन के लिए होते थे पिजन्स हॉल, जो कि कबूतर होते थे पिजन्स। मतलब मैं एक बात बताओ, ये जो बोलते हैं कि कबूतर वो मैसेज लेके आते थे, वो सच बात है? वो रियल नहीं है, रियल नहीं है। वो एक रहते हैं तो बताते हैं लोग, हम ये बताते हैं कि यहाँ खाली रहते थे। अच्छा। आपको ये नहीं बताऊंगा ये पिजन लेटर ले जाते थे। हाँ। जो चीज नहीं है वो नहीं है। हाँ वो है। और ये जो आप देख रहे हैं सर, यहाँ मशाल टांगे जाते थे, ऑयल लैम्प्स। अच्छा। यहाँ के जो राजा थे पहले, राणा सांगा, इसके आगे एक सर एक बैटल ग्राउंड है जिसको कहते हैं खानवा, खांडवा, जहाँ 1527 फाइटिंग हुआ बाबर एंड राणा सांगा। अच्छा। तो बाबर ने से जब इसको फतेह करा, जो मैंने आपको बताया, इसलिए इसका नाम फतेहपुर हुआ। अच्छा। जीत का शहर। अच्छा अच्छा। सिकरी गांव को जब मिलाया जाता है। कितना दूर है सर वो ग्राउंड? वो यहाँ से समथिंग 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस। खानवा। ऐसा आप ये ले सकते हैं, ये जालियाँ सबकी जो कारीगरी आप देख रहे हैं सर डिफरेंट है। ये 56 डिजाइनिंग है, रियल वाइट स्मार्ट। अच्छा। ये बाहर जो जाली लगी है वो 56 अलग अलग डिजाइन, अलग अलग डिजाइन। अच्छा। और ये सारी सर हाथ से बने हुई है, हैंडवर्क। सारी के जमाने में सर कोई मशीन का काम नहीं था। हाँ। और जो अंदर जो आप दरगाह पे जाएंगे वहाँ सीपी लगा हुआ है, सी सेल्स, मदर ऑफ पल। अच्छा। जो उस टाइम पे उसका कीमत 7 लाख रुपीज था। क्या बात कर रहे हो? सीपी, सी सेल्स। इसका रियल वाइट कलर होता है सर, लाइटिंग होता है तो रेनबो कलर चेंज होता है। वो दरगाह के अंदर है, अंदर है जी। ठीक, चलो। सो देख लो गाइस, यहाँ से चल के अभी हम लोग दरगाह के जस्ट पीछे आ गए और यहाँ पर बहुत सारे टॉम्ब बने हुए, तो उसके बारे में हमारे गाइड जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये जो है चिश्ती फैमिली से हैं, और बाहर जितने आप देख रहे हैं वो सारे मेल्स के हैं, अंदर साइड वो सारे फीमेल्स हैं। अच्छा। और ये था बताया था मैंने आपको, यहाँ लाइट नहीं था पहले, तो यहाँ मसाल लगाते थे। हाँ। इलेक्ट्रिक्स ना होने की वजह से। और जैसा ये ब्रैकेट्स जो आप देखिएगा, ये सारे हाथ से बनाए हुए हैं ये ब्रैकेट्स। हाँ। हैंडवर्क। और जो मैं आपको ये स्टार दिखाने जा रहा हूँ, ये सारे पर्शियन डिजाइन है, पर्शियन डिजाइन। जी जी जी। और ये मार्बल को सर वो चूना वूना से चिपकाते थे क्या उस टाइम पे? हाँ जी, चूना पे। सीमेंट नहीं था, चूना, दाल, शहद, राइस वाटर, हाँ, उसका मिक्स करके इस जगह को बनाया। अच्छा। और जो आप देख रहे हैं ये बुलंद दरवाजे का बैक पोर्शन है, जो हम लोगों ने एंट्री किया था। हाँ। ये बैक पोर्शन साइड है। हाँ। मेन गेट बुलंद दरवाजा। तो अभी जो हम चल रहे हैं वो पैलेस चल रहे हैं, वहाँ से आपको शूज़ दिलाए जाएंगे। शूज लेने के बाद फिर आप लोग पैलेस जाएंगे, जो कि अकबर का रेजिडेंट कॉम्प्लेक्स। पैलेस मतलब फोर्ट ना? फोर्ट। तो अपना ये बुलंद दरवाजा का दरगाह का हो गया जी, ये पार्ट आपका हो गया। अच्छा। इसमें आपने देखा बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, हाँ, हिरण मीनार, सलीम चिश्ती। तो देख लो गाइस, अभी हम लोग दरगाह के बाहर आ चुके हैं और अंदर देखो एक्चुअली में शूटिंग अलाउ था नहीं, तो भी हमने आपको जाली वाली का जो डिजाइन था उसको दिखाने के लिए अंदर से शूट कर लिया, लेकिन अलाउ था नहीं, तो इसलिए ज्यादा शूट हमने किया नहीं। A few moments later. तो देख लो गाइस, यही था बुलंद दरवाजा, यही था फतेहपुर का बुलंद दरवाजा। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं पीछे महल की तरफ, फोर्ट की तरफ मतलब। और इस वाले दरवाजा निकलोगे तो 5 मिनट में आप डायरेक्टली फोर्ट पे पहुँच जाओगे, पैलेस पे पहुँच जाओगे, महल पे पहुँच जाओगे। और जैसे कि हमारे गाइड ने पहले ही बताया था कि 26 महल है वहाँ पर, तो वो काफ़ी बड़ा एरिया है। और वहाँ पर देखो हमारे जो यहाँ पर गाइड थे, वो गाइड वहाँ पर नहीं आने वाले, वहाँ पर हमारे दूसरे गाइड। यहाँ से हम लोग निकलेंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे और हमारे जो नए गाइड है उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। और देखो ये फोर्ट वाला वीडियो इसके बाद आने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जगह बड़ी है, वो बहुत ही बड़ी है, तो एक वीडियो में दोनों को मैनेज करना मुश्किल है, तो इसलिए दोनों का अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो हम बना रहे हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसके मतलब इसके बाद वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तब आपको फतेहपुर का मतलब सिकरी का फोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो का हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए रियलिटी में जगह कैसी है वो देखने में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके बाद फोर्ट आने वाला है, पैलेस आने वाला है, और भी बहुत सारी जगह यूपी में आने वाली है इन द फ्यूचर। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।